फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज। दोस्तों, आज भाग 10 बताएंगे। भाग 10 में अवकलन डिप्रिसिएशन का बताया जा रहा है, तो इसको देखने के लिए पूरे वीडियोस अंत तक देखें। और यदि इसके पहले भाग को आप नहीं देखें और पहली बार आप अवकलन देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार अवकलन देख रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक दे दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस भाग 10 अवकलन के क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये भाग के रूप का है, ये अंश है और ये हर। फॉर्मूला अंश और हर मतलब भाग का लगाएंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले लगाएंगे हर ई पावर 2, हर इंटू अंश का अवकलन मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन करेंगे तो पहला 0 हो जाएगा ये कॉन्स्टेंट्स की वजह से, और ये हो जाएगा 2x। अब बटे हर का वर्ग ई पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सभी का होल स्क्वायर। इसके बाद समझ लीजिए, जो हमारा ये बचा हुआ है इसको छोड़ देते हैं, ई पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x के पावर 3 बटे ई पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 ई पावर 2x प्लस 2x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 3 बटे के ई पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। क्या बचा, 2x कर लेते हैं और ई पावर 2 बटे ई पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, ये है। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले हर लिखते हैं और अंश का अवकलन हो जाएगा ई पावर एक्स, माइनस अंश हर का अवकलन करेंगे तो 0 प्लस 2x इसका अवकलन करेंगे तो, बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर मतलब हर का वर्ग, ये हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस इसका गुणा इसमें कर लेंगे 2 ई पावर एक्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए कुछ किसी से कट रहा है, यहाँ पे कोई किसी से नहीं कट रहा है, सभी में ई पावर एक्स को कॉमन करेंगे, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन समझ लीजिए, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 माइनस टेन एक्स। अब माइनस टेन एक्स का अगर अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस में, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सेक एक्स और ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस आंसर लिखेंगे 1 माइनस टेन एक्स इंटू हर का वर्ग, हर का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स टेन एक्स टोटल के बटे सेक एक्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने कर लिया। अब इसको करने के बाद देख लीजिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक के पावर 3, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अब टोटल के बटे सेक एक्स, हमने सेक एक्स से सभी में भाग दे दिया। अब फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस
टेन स्क्वायर एक्स के बराबर वन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यदि यूज करते हैं कॉमन करने के बाद तो आएगा वन प्लस टेन एक्स बट्टे सेक एक्स, और ये माइनस में है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये आप समझ लीजिएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो पहले इसमें कॉमन करिएगा, कॉमन करने के बाद सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वन हो जाएगा और जो बचेगा वो आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले लिखेंगे वन प्लस टेन एक्स, हर और अंश का अवकलन, अंश क्या है वन माइनस टेन एक्स, फिर माइनस वन माइनस टेन एक्स और डी बाई डी एक्स वन प्लस टेन एक्स टोटल के बटे वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। फिर आगे समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद वन प्लस टेन एक्स ये हो गया, अब इसका अवकलन करेंगे, वन का अवकलन जीरो माइनस टेन एक्स, तो माइनस टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा, माइनस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस वन माइनस टेन एक्स। अब यहाँ पे वन का अवकलन जीरो टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन हमने अभी बताया था, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स टोटल के बट्टे क्या है वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे दोनों में सेक स्क्वायर एक्स है, कॉमन कर लेते हैं, माइनस सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस टेन एक्स, अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले चुका है, यहाँ पे बचेगा वन माइनस टेन एक्स, ये हो गया। अब टोटल की बट्टे वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, टेन से टेन कैंसिल, बचेगा क्या टू, तो यहां पे लिख लेते हैं, इसके बाद वन वन टू, तो माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स बट्टे वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। या ये आंसर कर लीजिए, या इसके बाद इस कॉस इस सेक और टेन को चेंज करके और भी आंसर ला सकते हैं, तो इतना ही करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच, इसमें समझ लीजिए, ये है हमारा अंश, ये है हर, तो यहां पे आंसर हमने बता दिया। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, हर वन प्लस कॉस एक्स, हर डी बाई डी एक्स अंश, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर के बट्टे टोटल वन प्लस कॉस एक्स इन सभी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। फिर वन प्लस कॉस एक्स, यहां पे देखिए डी डी एक्स वन का जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बचेगा साइन एक्स, माइनस वन माइनस कॉस एक्स। अब यहां पे देखिए वन का जीरो और इसका कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स टोटल के बटे वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद साइन दोनों में दिख रहा है कॉमन कर लेते हैं, साइन एक्स बचेगा वन प्लस कॉस एक्स माइनस, यहां पे ये माइनस यहां पे आ जाएगा प्लस कर देगा वन माइनस कॉस एक्स, ये हो गया टोटल के बट्टे वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा वन वन टू साइन एक्स के बट्टे वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह से इसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा दिए। तो
तो हमें उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगले भाग को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक दिया गया है, देख लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।